नमस्कार दोस्तों, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 20 अप्रैल दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आए वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों को पारक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आए वीडियो में आकर संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, विष्णुमान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय विष्णुमान लिखें, विष्णुमान आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार, आज की तिथि अमावस्या, आज का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, पक्ष चला कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:52 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:48 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:17 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 2:30 से दोपहर 3:34 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर 4 और शुभ रंग है गुलाबी और पर्पल। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और भी खिलेगी। इस राशि के कुछ लोगों को आज संतान पछते आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। आज आपको अपने संतान पर गम महसूस होगा। बच्चे और परिवार दिन का केंद्र बिंदु रहेंगे, उदास ना हो। कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं है, वह तो जिंदगी की खूबसूरती है। आपको ऐसी परियोजनाओं पर काम करना चाहिए जो आगे चलकर आपको मुनाफा दे। आज आपको ढेर और दिलचस्प नियंत्रण मिलेंगे। साथ ही आपको एक आकस्मिक उपहार भी मिल सकता है। आपके जीवन साथी की बेरुखी दिन भर आपको उदास रख सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बताएं, आप में से जो दफ्तर में ओवरटाइम कर रहे थे और ऊर्जा की कमी से जूझ रहे थे, आज उन्हें फिर वैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं वो अपने धन को आज बहुत संभाल कर रखें, आपके धन चोरी होने की संभावना है। रोमांस आनंददायी और काफी रोमांचक होगा। अपने बॉस या वरिष्ठों को घर पर बुलाने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफी खाली वक्त होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दें जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज आपकी चिंता कम होगी और उसके कारण आपका मन खुश रहेगा। व्यवसायिक बाधाएं आएंगी, प्रतिस्पर्धियों के संग विवाद के योग हैं। आपका ध्यान परिवार और पैसे पर होगा, हर मौके का फायदा उठाने की आप कोशिश करेंगे। आपके सारे काम आसानी से और समय पर निपट सकते हैं। आप अपने प्रिय द्वारा कई बातों के प्रति काफी संवेदनशील होंगे। व्यापार के लिए यात्रा फायदेमंद रहेगी, वैवाहिक जीवन में समर्थता बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा, घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। विद्यार्थी अपना समय अध्ययन में लगाएंगे, इससे उन्हें काफी सफलता मिलेगी। आप सुबह के समय वर्क आउट शुरू कर सकते हैं जिससे आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में लाभ मिलेगा। कार्य स्थल पर आपका कामकाज बहुत शानदार रहेगा। गायत्री मंत्र का जप करें, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों आज आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता के साथ होने वाली है। आज सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की आप कोशिश करेंगे। प्रेम जीवन जीने वाले लोगों को आज का दिन कोई खुशखबरी दे सकती है। गृहस्थ जीवन में प्रेम और रोमांस के अवसर आएंगे। आज बड़े लाभ के चक्कर में छोटे काम को इग्नोर ना करें। व्यापार स्तर की योजनाओं पर काम करने का समय, प्रॉपर्टी के मामले में और कुछ विचार किए जाने की उम्मीद है, इसे लागू करने का आप प्रयास करेंगे। आप अपने काम में नयापन लाने का प्रयास करेंगे और पुराने तौर तरीके में सुधार लाएंगे।
साथ ही आपको बताएं, आज का दिन आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। अगर आप अपने प्रियजन के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए तो कुछ समय आप अलग रखें और उनके साथ लंबी बातचीत करें। जीवन साथी आपकी बनाई हुई डिश की तारीफ करेंगे। आज किसी नए व्यापार में पैसा लगाने के लिए योग बढ़ रहे हैं। शेयर बाजार में धन लगाने से पहले आपको अपने पड़ाव की राय अवश्य लेनी चाहिए। मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया कार्य आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बच्चों को किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने से घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। और दोस्तों, गैर बैंकिंग वित्तीय स्थिति के मुखिया को झटका लग सकता है। आईटी इंजीनियरों के लिए अच्छा अवसर आ सकता है। पुराना निवेश आपके लिए लाभदायक रहेगा। घर में प्रेमपूर्ण और खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप से संबंधित बातों की चिंता अभी के समय आप बिल्कुल ना करें। व्यस्तता की वजह से अपने खान पान और दिनचर्या के प्रति आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आपके द्वारा किए गए कार्यों को प्रसन्नता प्राप्त होगी, लेकिन आर्थिक फायदा मिलने में अभी वक्त लग सकता है। मीडिया फोन के जरिए खास सूचना आपको मिल सकती है। व्यवसायिक या राजनीति से जुड़े बिजनेस में बहुत मददगार भी रहेंगे। कार्य क्षेत्र का माहौल और परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में रहेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए की जानते हैं। तो दोस्तों, आज प्रेमी जातकों के प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि दिन की शुरुआत में आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु दिन के माध्यम के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र के हर कार्यों को समय से पहले ही पूरा करने में सफल होते हुए नजर आएंगे। बाकी के बचे समय को अपने प्रेमी के साथ आप बिता पाएंगे। साथ ही आप अपने वैवाहिक जीवन की सारी खराब यादें भूलते हुए इस समय दाम्पत्य जीवन का भरपूर लुप्त लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव के मालिक मंगल बुध के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का भरपूर समय मिलेगा, तो आप उनके सामने वो सभी बातें समझा सकते हैं जिन्हें लेकर आप अपने प्रेम जीवन में थोड़े बहुत परेशान रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए की जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको कामकाज के दौरान जल्दबाजी करने से बचना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप हड़बड़ी में वाहन ना चलाएं, इससे आपके चोट लगने की संभावना अधिक है। साथ ही मौसम के बदलाव के कारण हो रही परेशानी से बचने के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।